नमस्कार भक्तों हर हर महादेव आज हम जानेंगे कि किस आकार का रुद्राक्ष धारण करने से हमें फल मिलता है क्योंकि गलत आकार का धारण करने से कोई फल नहीं मिलता है हम सभी लोग अपने कष्टों को दूर करने के लिए अपने फल की सिद्धि के लिए क्या करते हैं तो हम लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं रुद्राक्ष की माला लेकिन कई बार रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भी ना तो हमारे कष्ट दूर होते हैं ना ही हमें फल मिलता है तो आखिर इसका क्या कारण है तो इसका कारण है रुद्राक्ष का आकार हम लोग गलत आकार का रुद्राक्ष पहनते हैं और हमें फल नहीं मिलता है तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन से आकार का रुद्राक्ष अच्छा होता है देखिए जो फलदायी रुद्राक्ष होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं तो चलिए जानते हैं कौन है वो तीन प्रकार के फलदायी रुद्राक्ष इनमें सबसे पहला है आंवले के आकार का रुद्राक्ष यानी जो आंवले के फल के बराबर का रुद्राक्ष होता है जिसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष कहा जाता है इसमें से दूसरा है बेर के फल के आकार का यानी जो बेल के फल के बराबर का होता है इसको मध्यवर्ती रुद्राक्ष कहा जाता है तीसरा है चने के आकार का यानी जो चने के बराबर का रुद्राक्ष होता है जिसे हम निम्न कोटि का रुद्राक्ष बोलते हैं तो अब जानते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष कैसा फल देता है जो आंवले के फल के बराबर यानी जो श्रेष्ठ कोटि का रुद्राक्ष होता है वह हमारे कष्ट एवं पापों का नाश करता है अगर हमें बहुत ज़्यादा कष्ट है हमने पाप किए हैं तो हम रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो हमारे सारे कष्ट एवं पाप दूर हो जाएंगे जो बेर के फल के बराबर यानी जो मध्यवर्ती रुद्राक्ष होता है यह उत्तम फल प्रदान करता है सुख सौभाग्य देता है तो हमार हमें अगर सुख चाहिए तो हम इस आकार का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं जो चने के आकार के बराबर का रुद्राक्ष यानी जो निम्न कोटि का रुद्राक्ष होता है वह मनोरथ एवं फल की सिद्धि के लिए होता है अगर आपके मन में कोई कामना है या फिर किसी फल प्राप्ति की आपकी इच्छा है तो इस आकार का रुद्राक्ष पहने आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी देखिए रुद्राक्ष का एक नियम होता है कि रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना लाभकारी होता है ये नहीं है कि हम बड़ा रुद्राक्ष पहन लेंगे तो हमें ज़्यादा फल मिल जाएगा नहीं रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना लाभकारी होगा उतना फायदेमंद होगा इसीलिए अपने अनुसार से जैसी आपकी फल की इच्छा है वैसा रुद्राक्ष धारण करें उम्मीद है आज का उपाय आपको समझ आया समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपका दिन शुभ हो